हाय, मैं हूँ अर्चना और आज आप लोगों के साथ करेले के अचार की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये खाने में काफ़ी चटपटे, स्पाइसी और टेस्टी लगते हैं। इनको मैंने बहुत ही सिंपल वे में बताया है कि कैसे आप इसको बना सकते हैं। आप इन तक हर एक स्टेप को फॉलो करोगे तो आपके भी करेले के अचार बहुत टेस्टी बनेंगे। तो चलिए फिर देखते हैं इस रेसिपी को। सबसे पहले करेला और कच्चा आम लिया, उसको धो लिया अच्छे से। अब ऊपर वाले पोर्शन और नीचे वाले पोर्शन को कट कर लेते हैं। अब हम करेले को थोड़े से मोटे स्लाइसेस में कट कर लेते हैं। मैंने लंबे में कट किया है, आप चाहें तो राउंड शेप में भी कट कर सकते हो। न ज़्यादा पतला मेरे को स्लाइस कट करना है, न ज़्यादा मोटा। करेले को मैंने पीसेस में कट कर लिया है। अब एक मिक्सिंग बाउल में इनको हम डाल लेते हैं। अब हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर, नमक, सारी चीज़ों को हाथों की सहायता से अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद 30 से 40 मिनट के लिए इसको एक साइड में करके रख देते हैं। लेते हैं कच्चे आम को, इसको अच्छे से पील करने के बाद ग्रेट कर लेते हैं। मैंने आम को ग्रेट कर लिया है। अब इसको एक बाउल में करके एक साइड में रख देते हैं। अब रेडी करते हैं करेले के अचार का मसाला। पैन को गर्म किया और उसमें डाला धनिया, सूखा धनिया, सौंफ, जीरा, मंगरेला, अजवाइन, मेथी दाना, सारी चीज़ों को एक मिनट के लिए ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। मसालों को धीमी आंच पे ही रोस्ट करना है। मसाले अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं, अब हम हीट को ऑफ़ कर देते हैं। ऑफ़ करने के बाद मैं डालूंगी पीली सरसों। पीली सरसों को ऐसे चला लेते हैं। अब मसालों को ठंडा होने के लिए रख देते हैं। उसके बाद एक मिक्सर जार में डाल के हम इनको दरदरा ग्राइंड कर लेते हैं। अब हम लेते हैं करेले के पीसेस को, जिसको हम लोगों ने हल्दी और नमक लगा के 30 से 40 मिनट के लिए रख दिया था। ये स्टेप मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि नमक और हल्दी लगा के रखने पे, आप देख रहे हो इसमें इतना पानी छोड़ा हुआ है करेला, तो उससे उसका करेले का जो कड़वापन है ना, वो दूर हो जाता है। देखिए, अब मैं लूँगी एक थाली, उस पर कॉटन क्लॉथ रख के इन सारे पीसेस को फैला के एक घंटे के लिए धूप में रख दूंगी, जिससे कि उसमें का पानी अच्छे से सूख जाए। ये देखिए, एक घंटे बाद करेले का पानी अच्छे से सूख चुका है। अब हम इसको डालते हैं मिक्सिंग बाउल में। अब मैं ऐड करूंगी ग्राइंड किया हुआ अचार का मसाला, ग्रेट किया हुआ कच्चा आम, हल्दी पाउडर, साइट्रिक एसिड, नमक स्वादानुसार। अचार में थोड़ा सा नमक ज़्यादा ही जाता है, जिससे अचार चटपटे लगते हैं। अब हाथों की सहायता से अच्छे से सारी चीज़ों को मिला लेते हैं। अब इसमें डालेंगे सरसों का तेल। अचार में सरसों के तेल की बात ही कुछ अलग होती है, जिससे अचार का टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। ऐड करूँगी लाल मिर्च पाउडर। सारी चीज़ों को फिर से मिला लेते हैं, ये सारे मसाले आपस में अच्छी तरह से मिल जाएँ। अब मैं डालूंगी थोड़ा सा हींग और फिर से सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। सारे मसाले आपस में अच्छी तरीके से मिक्स हो चुके हैं। अब मैं लूंगी एयर टाइट कंटेनर जार, इस अचार को इसमें अच्छे से फिल कर दूंगी।
अब मैं इसमें डालूंगी बचा हुआ सरसों का तेल। अब हम एक कॉटन क्लॉथ लेंगे, उससे कवर करके इसको 4 से 5 दिनों के लिए धूप में रख देंगे। 4 से 5 दिनों बाद हमारा अचार रेडी है खाने को। फ्रेंड्स, इफ़ यू लाइक माई रेसिपी तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकॉन।